कुसान देश के घने जंगलों के भीतर गरुण सैन्य बल में भर्ती के लिए चक्रव्यूह का निर्माण किया गया था और उसी चक्रव्यूह के क्षेत्र में बने एक गुफा में नैना काफी दिनों से तपस्या कर रही थी। अपनी योद्धा की श्रेणी को बढ़ाने के लिए नैना पहले अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा रही थी और उसके बाद उसकी योद्धा की श्रेणी बढ़ रही थी। नैना अब चौथे चरण में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी उस वक्त होती है जब उसे गुफा में चमकती हुई कांच की तलवार मिलती है। आर्यमान से यह जानने के बाद कि यह तलवार आध्यात्मिक तलवार है, नैना के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आध्यात्मिक तलवार के महत्व को जान रही नैना को ऐसा लगता है मानो उसके दिल की धड़कनें उसके सीने को चीर कर बाहर आ जाएंगी। खुद को संभालती हुई नैना आर्यमान की ओर देखते हुए कहती है, आर्यमान, ये तो आध्यात्मिक तलवार है, फिर ये यहां पर कैसे आई? और फिर ये क्षेत्र गरुण सैन्य बल के मंत्रों के अधीन है, उन्हें इस बारे में कैसे पता नहीं चला? आध्यात्मिक तलवार बेहद ही मुश्किल से मिलने वाला हथियार था। ये तलवारें आम तलवारों की तरह नहीं होती थी, बल्कि इनकी संरचना और इनके इस्तेमाल का तरीका भी काफी अलग होता था। ये तलवारें इंसान के आध्यात्मिक गुणों के आधार पर उसके साथ रहती थी। उस तलवार को काफी ध्यान से देख रहा आर्यमान उसको पूरी तरह से देखने के बाद मुस्कुराते हुए कहता है, है तो यह आध्यात्मिक तलवार, लेकिन यह काफी निचली श्रेणी का हथियार है। यह तलवार जिसकी भी रही होगी उसे इससे अधिक श्रेणी की तलवार मिल गई होगी, इसलिए वो उसे यहां छिपा कर चला गया। रही बात गरुण सैन्य बल की, तो यह तलवार काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए इसकी शक्तियां इस वक्त जागृत नहीं है। शायद इसी वजह से गरुण सैन्य बल वाले इसे नहीं देख पाए होंगे। आर्यमान की बातों को सुनने के बाद नैना को उसके कुछ सवालों का जवाब तो मिल गया था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक शंका थी। वो आर्यमान से कहती है, आर्यमान, ये तलवार तो लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है, फिर ये अभी क्यों जागृत होगी जबकि अभी भी इसके साथ किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं जुड़ी हुई है? नैना काफी ज्यादा दुविधा में थी। नैना को यूं दुविधा में देख आर्यमान उसे समझाता है, नैना, चौथे चरण में जाते वक्त तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति काफी ज्यादा बढ़ गई थी, हो सकता है इस तलवार को वापस पुनर्जीवित करने के लिए भी उतनी ही आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत हो, शायद इसीलिए ही यह तलवार जागृत हो गई है। आर्यमान की बातों को सुन नैना अब चुप खड़ी थी। थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद नैना कहती है, मैं इसे धारण करती हूं। इतना कहने के साथ ही नैना उस तलवार को अपने आगे ले आती है और उसी से अपने हाथ में एक चीरा लगाकर उसके ऊपर अपनी खून की कुछ बूंदे गिरा देती है। नैना के खून की बूंदे उस तलवार पर पड़ते ही उसकी रोशनी तेज होने लगती है। थोड़ी ही देर में वो कांच की तलवार ज्वालामुखी के दहकते लावे की तरह लाल हो जाती है। नैना से थोड़ी दूरी पर खड़ा आर्यमान इस पूरे दृश्य को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने नैना की आध्यात्मिक शक्ति उस तलवार को अपने आगोश में ले रही थी। अपनी तलवार के साथ इस मिलन से नैना के हाथ पैर भी कांप रहे थे। थोड़े समय के बाद नैना अपने होश में आती है। उसकी हाथों से वो तलवार अब गायब हो चुकी थी और वो नैना की आध्यात्मिक शक्तियों के साथ मिल गई थी। अपनी आंखों को खोलने के साथ ही नैना की नजरें वहीं खड़े होकर मुस्कुरा रहे आर्यमान पर पड़ती है। आर्यमान को देखने के बाद नैना उससे कहती है, आर्यमान, देखा तुमने, इस आध्यात्मिक तलवार ने मुझे अपना मालिक बना लिया है। नैना की बातों को सुन आर्यमान मुस्कुराते हुए कहता है, हां नैना, मैंने देखा। वैसे इस तलवार ने तुम्हें अपना मालिक तो मान लिया है, लेकिन इसकी शक्तियां अभी काफी कम है। खैर, कोई बात नहीं, अभी तुम इससे काम चलाओ। समय के साथ हम तुम्हारे लिए आगे कुछ बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक शक्तियां वाली तलवार ले आएंगे। आर्यमान नैना की इस तलवार को कोई महत्व ही नहीं दे रहा था। आर्यमान की बातों को सुन नैना सोचती है, ये तो आध्यात्मिक तलवार को ऐसे समझ रहा है जैसे जंगल में पेड़ों पर फल की तरह उग रही है, इसे क्या ही समझ आएगा। वैसे मुझे तो इस तलवार से जुड़ने के बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है मानो इससे मेरे सालों पहले का नाता हो।
यही सोचते हुए नैना अपने बाएं हाथ को आगे करती है। हाथ को आगे कर तलवार को याद करने के साथ ही नैना के हाथों में वो तलवार चली जाती है। आसमान में उमड़ने वाले बादलों की तरह उस तलवार के भीतर भी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा था। ये देख नैना आर्यमान से कहती है, आर्यमान ये देखो, इस तलवार ने मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जुड़कर काम भी शुरू कर दिया है। बस इसका ऊपरी सिरा किसी तरह से नष्ट हो गया है, वरना कोई इसे एक पुरानी तलवार नहीं बोल सकता है। नैना के हाथ में जगमगाती उस तलवार को देख आर्यमान भी हैरान था। हाँ नैना, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ जुड़ने के बाद इस तलवार ने इतनी जल्दी काम शुरू कर दिया है, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे तुम्हारी बढ़ती हुई आध्यात्मिक शक्तियों के साथ इसका क्षतिग्रस्त हिस्सा खुद ही ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो। चौथी श्रेणी की योद्धा बनने के बाद नैना को अब अपना वो काम याद आता है जिसके लिए तो चक्रव्यूह के भीतर आई थी। वो तुरंत ही आर्यमान से कहती है, आर्यमान मैं चौथे चरण की योद्धा तो बन गई, लेकिन इसके साथ ही मुझे यहां पर और भी एक काम है। मैंने सुना है यहां के घने जंगलों में एक मनुष्य रूपी भेड़िया निवास करता है, मुझे उसे भी खोजना है। नैना से मनुष्य रूपी भेड़िए के बारे में सुन आर्यमान चौंक जाता है। वो नैना से कहता है, नैना ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारा इन सब चीजों से जो भी हिसाब है तुम उसे बाद में पूरा करना, हमारे पास अभी इसके लिए समय नहीं है। साथ ही इस वक्त मैं अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूं, वरना मैं तुरंत गरुण सैन बल के नजर में आ जाऊंगा। आर्यमान की बातों को सुन नैना उससे कहती है, आर्यमान तुम इस बारे में मुझे ज्ञान मत दो, मुझे जो करना है ना मैं वही करूंगी। नैना के मना करने के बाद भी आर्यमान ने तपस्या के समय उसकी जान बचाई थी। उसके बाद भी नैना के इस व्यवहार को देख आर्यमान उससे कहता है, नैना मेरा काम तुम्हारी जान बचाना और तुम्हें सही सलाह देने का है, मैं अपना काम कर रहा हूं। वैसे तुमसे मिलने बाहर कोई आया है तुम जाकर उनसे मिलो, वरना वो अंदर आ जाएंगे। आर्यमान की बातों को सुनने के बाद नैना को कुछ समझ नहीं आता है। हालांकि इस वक्त वो आर्यमान से बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप बाहर निकल जाती है। गुफा के बीच में बनी गहरी खाई और संकरे रास्तों को पार करते हुए नैना बाहर की ओर बढ़ जाती है। उधर देव वर्मन भी अपने वफादार कुछ लड़कों के साथ इसी गुफा की ओर बढ़े चला जा रहा था। थोड़ी देर में वो गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा देव गुफा के अंदर देखते हुए कहता है, हे भगवान इस गुफा में तो रोशनी खुद रास्ता भूल जाएगी, इतनी अंधेरी गुफा तो आज तक मैंने देखी नहीं है। गुफा के अंदर से नदियों नालों तथा जानवरों की आ रही आवाजें देव और उसके साथियों को डराने के लिए काफी थी। गुफा के पास से थोड़ा पीछे हटने के बाद देव अपने साथियों की ओर देखता है। अपने साथियों की ओर देखता हुआ देव अमन से कहता है, अमन तुम अभी एक मशाल बनाओ, हम सभी इस गुफा के भीतर जाकर उस जादुई रोशनी के प्रकट होने के स्थान को देखेंगे। मेरे दादाजी कहते हैं जब भी ऐसी रोशनी प्रकट होती है वहां कोई ना कोई जादुई वस्तु जरूर मिलती है। देव की बातों को सुनने के बाद अमन उसके लिए मशाल बनाने चला जाता है। थोड़ी देर में वो दो तीन बड़ी बड़ी मशाले बनाकर ले आता है। मशालों के आने के बाद देव एक मशाल को अपने हाथ में लेता है और कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, अब मैं आगे आगे चलूंगा और तुम सब मेरे पीछे पीछे आना। इतना कह मशाल को हाथ में लिए हुए देव अपना पहला कदम उस गुफा के भीतर जाने के लिए बढ़ा देता है। लेकिन तभी अचानक चमगादड़ों के बोलने की आवाज आती है और वे तुरंत ही बाहर निकलने लगते हैं। चमगादड़ों के निकलने की आवाज सुनते ही देव वर्मन के साथ ही तुरंत पीछे मुड़कर भागते हैं। उधर देव वर्मन की मशाल भी चमगादड़ों के निकलने की वजह से बुझ जाती है। चमगादड़ों के इस खौफ को देख देव वर्मन की सांसें काफी तेजी से चलने लगती है। वो तुरंत ही पीछे आते हुए कहता है, मैंने आज तक जितनी भी गुफाएं देखी थी वे सब इसके आगे बच्चों के समान थी, इतनी बड़ी और खतरनाक गुफा के बारे में मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता हूं। डर के मारे कांप रहा देव वर्मन इतना बोलने के साथ ही वहीं बैठ जाता है। देव के बैठते ही हिना उसे पानी पिलाने लगती है। देव को पानी पिला रही हिना की नजरें अचानक उस गुफा के मुख्य द्वार पर जाती है। उस द्वार पर नजरें जाने के साथ ही हिना के हाथ से पानी का बर्तन गिर जाता है और देव पूरा पानी से भीग जाता है। हिना को इस तरह बर्ताव करता देख
देव उससे कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? जैसे तुमने किसी भूत को देख लिया हो। देव के गुस्सा होने के बावजूद भी हिना उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देती है। हिना को चुप खड़ा देख देव उससे दोबारा पूछता है, अरे क्या हुआ हिना, तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? देव की बातों को सुन हिना अपने हाथ को उठाकर देव को पीछे देखने का इशारा करती है। हिना को इस तरह इशारा करता देख अब देव और उसके सारे साथी पीछे मुड़कर देख रहे थे। नैना, तुम अभी तक जिंदा हो? तुम इस गुफा से कैसे आ रही हो? इतना कह देव वर्मन हैरानी भरी निगाहों से नैना को देखे जा रहा था। क्या होगा जब देव वर्मन और नैना का होगा सामना? क्या नैना को मिलेगा आधे भेड़िया और आधे इंसान के शरीर वाला वो जानवर?